दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे यामा की MT 15 V2 अपग्रेड मॉडल आप लोगों के लिए क्यों बेटर वैल्यू फॉर मनी रह सकती है, आप लोगों को इस बाइक को क्यों परचेस करना चाहिए, साथ ही ये बाइक बेटर वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है, एंड ये बाइक आप लोगों के लिए कंफर्टेबल है या नहीं है, लाइक कुछ फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिसकी वजह से ये बाइक आपको परचेस करनी चाहिए। ओके, वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट किए लाइक स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना, बिकॉज ऐसी अपडेटेड और इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप लोगों के लिए अपने चैनल पर लाते रहते हैं। ओके, सबसे पहला रीजन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग जो है V2 जो ओल्ड मॉडल था उसको बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि ये बाइक कॉस्टली है, लाइक इस बाइक के प्राइस फीचर्स और पावर के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा ओवर हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों 2023 के अंदर 13 फरवरी को यामा ने MT 15 V2 के अपग्रेड मॉडल को लॉन्च करके बाइक को वैल्यू फॉर मनी कर दिया है, बिकॉज इतने फीचर और इतनी पावर आपको कोई भी कंपनी ऐसे प्रोवाइड नहीं करा पाएगी। बाइक के अंदर आपको काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस फीचर देखने को मिलते हैं, एडवांस इंजन देखने को मिलता है। लुक के बारे में क्या ही बात करूं, यामा की MT 15 अपने लुक पर ही फेमस है। इस बाइक को लोग इस बाइक के लुक की वजह से ही परचेस करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप MT लवर हैं तो आप इस बाइक के बारे में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, इजीली इस बाइक को जो है आप परचेस कर लेंगे। लेकिन अगर आप MT लवर नहीं है तो आप लोगों को ये बाइक क्यों बेटर वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है, क्यों आपको ये बाइक परचेस करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बाइक के अंदर आपको ऐसे फीचर दिए गए हैं जो कि बाइक जो है 200cc की बाइक को काफ़ी अच्छा टफ कंपटीशन दे सकती है। ये 150cc की बाइक है, लाइक 155cc का इस बाइक के अंदर इंजन देखने को मिलता है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली एडवांस फीचर होने की वजह से ये बाइक काफ़ी अच्छा टफ कंपटीशन दे सकती है 200cc सेगमेंट की बाइक को। और मैं आपको बता दूं, लाइक 150 या फिर 160cc बाइक से इस बाइक का कोई भी ज़्यादा कंपैरिजन नहीं हो सकता है, बिकॉज इसमें आपको 6 गियर स्पीडबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलते हैं। बाइक के अंदर आपको वेरिएबल बॉल एक्चुएशन आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको बाइक के अंदर लाइक पावर में रिफाइनमेंट ज़्यादा देखने को मिलती है, पावर आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, एंड बाइक के अंदर आपको टॉर्क भी ज़्यादा देखने को मिलता है। ओवरऑल पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइक काफ़ी अच्छी है। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में इतनी सीसी सेगमेंट में पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी बाइक इस बाइक का कंपटीशन नहीं कर सकती है। ओके, एंड दोस्तों यामा ने इस बाइक को अपग्रेड कर दिया है, तो बाइक के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस फीचर भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। जो भी बाइक के अंदर लाइक मिस फीचर किए गए थे इंस्टॉल कर दिए, इस बार ऑफर कर दिए हैं, एंड ये बाइक 2 लाख के आसपास आती है, तो बाइक के अंदर आपको उतने फीचर भी देखने को मिलते हैं। बाइक के अंदर आपको मोस्ट अवेटेड लुक भी देखने को मिलता है, एंड बाइक के अंदर आपको कलर्ड अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। बाइक के अंदर आपको काफी अच्छी डिफरेंट प्रीमियम कलर स्कीम भी प्रोवाइड कराई गई है। एक्सशोरूम में इस बाइक के प्राइस आप चेकआउट कर सकते हैं, फोटो के अंदर 1,68,400 आपको एक्सशोरूम दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएंगी। बाइक के अंदर आपको इस बार जो लाइट डिफरेंट देखने को मिला है अपग्रेड मॉडल के अंदर कलर, वो आपको मेटेलिक लाइक ब्लैक डीलैक्स देखने को मिला है, जिसके अंदर आपको जो है लाइक डिफरेंस सिर्फ अलॉय व्हील के अंदर देखने को मिलता है। पहले आपको ब्लैक ही अलॉय व्हील देखने को मिलते थे ब्लैक कलर के अंदर, लेकिन अब जो है ब्लैक कलर के अंदर आपको रेड कलर के नियॉन टाइप के आपको अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं, ऑरेंज भी कह सकते हैं आप और रेड भी कह सकते हैं। ओके, बाकी बाइक के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल फीचर ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से बाइक जो है इजीली स्किड नहीं करेगी। अगर आप बिगिनर हैं, बाइक को लाइक राइड करना सीख रहे हैं, तो ये बाइक इजीली जो है लाइक स्किड नहीं करेगी, स्लिप नहीं करेगी, जिसकी वजह से बाइक के अंदर आपको कंट्रोलिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल फीचर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है बिगनर और राइडर दोनों के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड बाइक के अंदर आपको लाइक डुअल चैनल ABS का ऑप्शन भी प्रोवाइड करा दिया है, पहले आपको सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन देखने को मिलता था, जिसकी वजह से ये बाइक इजीली जो है लाइक ओवर प्राइस हो रही थी, लेकिन अब ये बाइक किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक ओवर प्राइस नहीं हो रही है, फीचर ऐड कर दिए हैं। या मैंने बाइक के अंदर प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा लाइक इंक्रीज़ नहीं किए हैं, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किए हैं, बहुत ही कम प्राइस इंक्रीज़ किए हैं, लाइक 3,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है V2 2022 मॉडल के अंदर एंड V2 2023 अपग्रेड मॉडल के अंदर। ओके, ये बाइक 2 लाख के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। साथ ही बाइक के अंदर आपको VVA टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको लाइक काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं। बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको लाइक मोबाइल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले सारे कनेक्टेड फीचर देखने को मिलते हैं। यामा बाइक कनेक्ट ऐप के थ्रू इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल को आप अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही बाइक के अंदर आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच ऑफर कर दी गई है। इंडिकेटर आपको लाइक LED देखने को मिलते हैं। ओवरऑल बाइक के अंदर आपको ऑल LED लाइट्स का सेटअप,
डुअल चैनल एवीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, डीवीआई टेक्नोलॉजी, अपसाइड डाउन फ्रंट में आपको फ्रंट फोक्स देखने को मिलते हैं। बाइक के अंदर आपको काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। साथ ही आपको इस बाइक के अंदर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच भी देखने को मिलता है, जो कि काफी सारी बाइक के अंदर आपको देखने को अब मिल भी रहा है। एंड बाइक में आपको काफी अच्छी प्रीमियम कलर स्कीम देखने को मिलती है। 2023 के अंदर अपग्रेड होकर इस बाइक के अंदर आपको मेटालिक ब्लैक डस्ट कलर देखने को मिलेगा, जो कि आपको लाइक ब्लैक एंड रेड अवेबल के साथ जो कलर देखने को मिलता है, रेसिंग ब्लू एंड शान स्टॉर्म आइस ब्लू वर्मिलियन जो कि आपको देखने को मिलता था, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद भी आता है। एंड शान स्टॉर्म ओवरऑल इस बाइक की जो कलर स्कीम आपको देखने को मिलती है सारी प्रीमियम है, और बहुत सारे लोग इस बाइक की कलर स्कीम को डिफरेंट लाइक थिंकिंग के हिसाब से परचेज कर लेते हैं अपनी, और बाइक इसी वजह से आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि बाइक में आपको काफ़ी अच्छे टेक्नोलॉजिकली एडवांस फीचर के साथ सारे ही फीचर आपको एडवांस देखने को मिलते हैं। ऑल एलईडी लाइट्स का सेटअप, जैसे कि मैंने आपको सारे फीचर बताए दिए हैं, इसी वजह से दोस्तों आप लोगों के लिए बाइक वैल्यू फॉर मनी है। अब आप लोगों को ये बाइक क्यों परचेज करनी चाहिए? अगर आप लोगों को मोस्ट अवेटेड लुक के साथ कॉम्पैक्ट बाइक चाहिए नेकेड स्ट्रीट फाइटर, जो कि नेकेड वेरिएंट है और इंडियन टू व्हीलर मार्केट में पॉपुलर हो, तो फर्स्ट बाइक यही है। आप इस बाइक को इसी वजह से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये बाइक की जो लाइक ग्राफिक्स हैं वो काफ़ी यूनिक हैं अदर बाइकों के अकॉर्डिंग। अगर आपको इस टाइप की कोई भी बाइक चाहिए 155 सीसी के अंदर 2 लाख प्राइस रेंज में, तो आप MT15 V2 को परचेस कर सकते हैं। एंड अगर आप जो है कॉलेज स्टूडेंट हैं, सिंगल राइड करते हैं, तो भी आप इस बाइक को परचेस कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपका डेली रूटीन पिलियन के साथ राइड करने का है, लाइक आप पिलियन के साथ ज़्यादा लाइक राइड करते हैं, तो आप इस बाइक को डिसअपॉइंट कर सकते हैं, बिकॉज इसकी पिलियन सीट कंफर्टेबल नहीं है। ओके, ओवरऑल बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छे प्रीमियम फीचर देखने को मिलते हैं। डिसअपॉइंट तो आप पिलियन सीट की वजह से कर सकते हैं, बिकॉज इसकी पिलियन सीट काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, जिसकी वजह से पिलियन जो हैवी वेट है तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहता है इस बाइक पर। ओके, बाकी आप परचेस कर सकते हैं अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से। मैंने सारे फीचर आपको बता दिए हैं, इसी वजह से ये बाइक वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसमें आपको एडवांस फीचर देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना। एंड दोस्तों MT15 की V2 अपग्रेड मॉडल को लेकर अभी भी कोई आपका डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले एक ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।